हिमाचल और देश की सबसे छोटी गो कार्टिंग कार रेसर श्रेया लोहिया। श्रेया लोहिया की माता वंदना लोहिया ने कहा कि वर्ष 2018 से उनकी बेटी गो कार्टिंग रेसिंग कर रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि सरकार को प्रदेश की बेटियों को खेल में बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। चूल्हे चौके से निकलकर हिमाचल की बेटियां कामयाबी के पलक को छू रही हैं। कोई साइंटिस्ट बन रहा है, विज्ञान की दुनिया में छाई हैं, तो कोई कई खेल प्रतिभाओं में अपना लोहा मनवा रही है। ऐसे ही खेल प्रतिभा में लोहा मनवा रही है हिमाचल प्रदेश की बेटी श्रेया लोहिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर की ग्राम पंचायत महादेव की श्रेया लोहिया ने मात्र 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में कारनामा कर दिखाया है। श्रेया ने देश भर में सबसे कम उम्र में गो कार्ट रेसिंग कार रेसर बनकर कई किताबों पर अपनी बेदहाशत दर्ज करवा चुकी हैं। इसके अलावा द फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया ने श्रेया को मोटर स्पोर्ट्स 2018 में उत्कृष्ट महिला के रूप में भी सम्मानित किया था। श्रेया मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय रोटेक्स चैंपियनशिप में पूरे भारतवर्ष में प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली एकमात्र लड़की भी रह चुकी है। श्रेया ने इस प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया था। श्रेया ने बेंगलुरु के एक रेसिंग स्कूल बायरल आर्ट में शामिल होकर इटली के कोच मार्को बार्तोली के मार्गदर्शन में कोचिंग ली। पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहने वाली श्रेया ने खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बना रखा हुआ है। वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। गो कार्टिंग कार रेसर श्रेया लोहिया और उनके परिवार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रदेश में गो कार्टिंग कार रेस को बढ़ावा देने की मांग की है। उन्होंने इस बाबत हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा खेल मंत्री राकेश पठानिया से मिलकर उन्हें इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी है। मंत्री राकेश पठानिया द्वारा भी सरकार की ओर से इस दिशा में हर संभव प्रयास करने को और नई खेल नीति को गो कार्टिंग को शामिल करने में आश्वासन दिया गया है। नेशनल चैंपियन गो कार्टिंग कार रेसर श्रेया लोहिया ने कहा कि जब वे अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश आ रही थी तो बड़ोदरा में पहली बार गो कार्टिंग कार रेसिंग की। उन्होंने कहा कि इस खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ने के बाद परिवार ने उनकी हर संभव सहायता की। श्रेया ने कहा कि गो कार्टिंग रेसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। श्रेया लोहिया के पिता रितेश लोहिया ने कहा कि श्रेया की इस खेल को लेकर ज़्यादा रुचि दिखाई और श्रेया को बेंगलुरु में गो कार्टिंग रेसिंग की अकेडमी में भर्ती कर दिया। उन्होंने कहा कि गो कार्टिंग एक महंगा खेल है और इस खेल को अफोर्ड करना आसान नहीं है।